कम की जाती है वो भी नहीं हो पा रहा, और मरीज़ चार चार छः छः महीने से एक ही दवाई खा रहा है, जो दो महीने एक महीना हमें हो गया, तो यानी एक महीना उसने और दवाई वही खा ली होगी जो नहीं खानी चाहिए, जिसको कम डोज में खानी चाहिए। मंत्री जी, वो 2025 के अंदर आप दावा कर रहे थे, सरकार दावा कर रही थी कि हम पूरे देश से टीबी को हटा देंगे। देखिए, ये टीम वर्क होता है, दावा सरकार ने किया था और हम सरकार के साथ खड़े थे उस वक्त, बिल्कुल हम अपनी जी जान लगा देंगे। हमने ही इस प्रोग्राम को यहाँ तक खड़ा किया था लाकर, और दिल्ली में ये बेस्ट रनिंग प्रोग्राम हुआ करता था डॉट का, पूरे भारत में जो दिल्ली में ये प्रोग्राम चलता था, अगर हम ये कहें कि बेस्ट नहीं तो वन ऑफ द बेस्ट तो था, लेकिन अब ये काफ़ी नीचे आ गया है, क्योंकि हमारी डिमांड, हमें बार बार गलत आश्वासन दिया जाता है, बार बार हमें बरगलाया जाता है कि नहीं जी आपका ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आप अभी काम करते रहिए, और हमने अपने तन मन धन दिया है इसको, और धन की बात इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आधी सैलरी में काम किया है, बिल्कुल आधी सैलरी में, बिना पूरे धैर्य के साथ काम किया, और मरीज के साथ आज भी हमारी बॉन्डिंग है और हम उसका बुरा नहीं चाहते। और आपके और सरकार के बीच में जो पेशेंट पिस रहे हैं और मरीज पिस रहे हैं, तो इसका हर्जाना किसको होना चाहिए? देखिए, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है, हम नहीं चाहते हैं कि पेशेंट का नुकसान हो बिल्कुल भी, क्योंकि अगर ये पेशेंट ठीक नहीं होंगे तो ये उनको MDR टीबी होगी, लाइलाज टीबी होगी, और हमारे समाज में भी लाइलाज टीबी ही फैलेगी, और हम भी उसी समाज का हिस्सा हैं, कहीं ना कहीं वो हमें भी इफेक्ट करेगी, हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार है, उनको भी इफेक्ट कर सकती है, तो ये एक सामाजिक समस्या है, ऐसा नहीं कि, और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि जिम्मेदारी अब सरकार की बनती है, मरीजों का भला बिल्कुल हम भी चाहते हैं, लेकिन सरकार नहीं चाहती, हमें ऐसा लगता है। हमारी एक ही मांग है, हमें रेगुलराइज किया जाए, जब तक रेगुलराइज नहीं करते हमें बराबर वेतन दिया जाए बराबर काम के लिए।